हम इस टाइम दियोसाई के रास्ते में हैं, अस्तोर से दियोसाई के रास्ते में। तो अभी चिलम यहाँ से 10 किलोमीटर जो है ना वो पीछे है। तो यहाँ पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मैंने स्टे किया है कुछ बाइक को स्टे करना, बाइक को ठंडा करने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। और यहाँ से अब चाय पियेंगे हम और आगे निकल जाएंगे। अभी काफ़ी सफ़र है और शाम का टाइम हो चुका है, तो ठंड भी काफ़ी है। आगे का पता नहीं क्या आलम है, चलें आगे चल के देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। अभी हम दियोसाई के रास्ते में हैं और चिलम चौकी क्रॉस कर ली है और शाम का टाइम है, तकरीबन 8 के अराउंड अबाउट है। पीछे हम काफ़ी लेट हो चुके थे और अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है चिलम चौकी से दियोसाई का। और अभी हम पीछे हैं, ठंड का ये आलम है कि मैंने एक नीचे टी शर्ट उसके ऊपर राइडिंग जैकेट मोटी, जिसमें काफ़ी ठंड जो है ना वो कवर हो जाती है, काफ़ी ठंड से बच जाता है बंदा। फिर उसके ऊपर मैंने अभी रेनकोट पहना है ताकि मज़ीद ठंड ना अंदर जाए, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद ठंड इतनी है कि दांत आपस में जो है ना वो नाच रहे हैं। अभी रस्ते में हमें कुछ बाइकर्स मिले थे बहावलपुर से, तो वो कह रहे थे कि दियोसाई के ऊपर बर्फबारी हुई है और -2 टेम्परेचर है। तो देख लें फिर अब क्या बनता है, लेट्स सी। आईडी कार्ड ओके, एंट्री करवा रहे हैं। चिलम चेक पोस्ट पे एंट्री करवाने के बाद अब हम दियोसाई की तरफ रवाना हुआ है और कोई भी ट्रैफिक इस टाइम नहीं है सोए हम दोनों के। हम कैंपिंग करना चाहें तो हमें कुछ जगह मिल जाएगी। चले जी, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कैंपिंग जगह आ गई है, शूसर लेक भी आ गई है और अब हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। मज़ीद जो भी वीडियो होगी मैं आपको बाद में उसकी अपडेट दूंगा। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टे कर लें, कैंपिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन ले लें, फिर आपको बताऊँगा कैसे हमारी रात गुजरेगी यहाँ पे। Oh,
माइनस फोर और हमारे कैंप में बर्फ जम गई है। कैंप के ऊपर भी बर्फ है और अंदर भी पानी आ रहा है ठंडा। और ये देखें, एक दो तीन चार और ये पांच है, पांच पीसर ऊपर है। एक रेनकोट, एक जैकेट, एक टी शर्ट, एक ट्राउजर, एक जीन्स और उसके ऊपर रेन वाला पजामा। और फिर भी ठंड जो है ना वो नहीं जान छूट रही ठंड से। अभी इसको कहते हैं दियोसाई। ये दियोसाई, अभी शुक्र अल्लाह का हवा नहीं चल रही। अगर हवा चल रही हो तो यहाँ पे बैठना जो है ना वो मुश्किल हो जाए। कैंप हमने लगाया मुश्किल दे दे भी ये। लेकिन अभी फिर भी गुजारा हो रहा है। बाकी अब सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। ओके, अल्लाह हाफिज़। सोने लगे हैं हम अभी।